ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, मैं 30 मिनट लेट हूँ और मेरे दोस्त मुझे सामने से देख रहे हैं और मुझे बहुत गालियाँ पड़ रही हैं, बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने ट्रिप प्लान करी थी भद्राज के लिए, तो हम और काजल बेचारे ऐसे ही जल्दी जल्दी आ गए। इसने बेचारी ने सुबह सुबह पराठे बनाए, मैंने सब्जी में निकलेंगे। हाँ, और फिर भी मेरी वजह से 15-20 मिनट लेट हो गए। जो हॉस्टल से बच्चे आ रहे हैं, सज धज के उन्हें कोई काम धंधा तो था नहीं, उठे हैं बस अपना मस्त सफ़ेद शर्ट और सफ़ेद मतलब कोड में आ रहे हैं, और मुझे ये लग रहा है कि मैंने भी यार सफ़ेद कुर्ती और ब्लैक जीन्स डाली है। अब हमने यहाँ पर थोड़ा एक स्टॉप लिया है जहाँ से ये लोग थोड़ा सा कुछ सामान वगैरह खरीद रहे हैं। हम कोटी आ गए, कोटी क्रॉस कर दिया और हमने यहाँ पर अपनी स्कूटी और बाइक्स लगा दी, और यहाँ से हम जाएंगे ट्रैकिंग करके। टोटल कुछ 7.5-8 किलोमीटर हमको पैदल चलना है, और हमको जाना है वो जो वाइट मंदिर दिख रहा है ना, ये ऊपर टॉप पे इस वाइट मंदिर, ये भद्राज मंदिर है, यहाँ पे जाना है और यहाँ से हम पैदल जाएंगे ट्रैकिंग करके। तो चलते हैं फिर। ओह गॉड, सांस अभी से फूलने लगी, अभी जैसे स्टार्टिंग करी है हम लोगों ने। और सब छोड़ो, इसको देखो कितना सज के आया है, सफ़ेद शर्ट। हॉस्टल वाले कितने खाली होते, ऊपर से नीचे तक सज के आया है, ऊपर से नीचे तक सफ़ेद है पर बीच में काला है। और मैंने अपने सफ़ेद शूज़ नहीं पहने, मैं कहा ट्रैकिंग में ख़राब हो जाएंगे, इसे देखो। अरे धुल लेंगे यार, सफ़ेद शूज़ होते हैं इसीलिए पहने। क्या हुआ, तेरी सांस भी फूल गई? भद्राज ही जा रहा है क्या? तभी तो मैं कहनी कंफर्म कर लो। मोहित, मुझे ना डाउट हो रहा है, मुझे डाउट हो रहा है इस रास्ते पे। 233 किलोमीटर की पागल है क्या? Let's go. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a change in my life. से आगे मैं चल रही हूँ और ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं इतनी आँखें कैसे। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम अस्थमेटिक, सेकंड मैं पहाड़ी भी नहीं हूँ, फिर भी मैं इनसे अच्छी ट्रैकिंग करती हूँ। अभी हम लोगों ने सिर्फ 2 किलोमीटर की ट्रैकिंग की है और हालत ख़राब है, अभी तक की सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट ट्रैकिंग यही वाली लग रही है। जॉर्ज एवरेस्ट गए थे वहाँ पर भी इतनी नहीं है, इवन तुंगनाथ की भी इतनी नहीं है। यहाँ का रास्ता बहुत ज़्यादा एकदम स्ट्रेट है तो चलने में बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो रही है और सांस फूल रही है। 2 किलोमीटर में हालत ख़राब है, अभी तो 7 किलोमीटर अप्रॉक्स 7.5-8 किलोमीटर की ट्रैकिंग है। ओह गॉड, बट देखते हैं वर्थ इट होता है या नहीं होता है। ये आप ऊपर बैठाने के लिए लाए अंकल खच्चर? भैया ये खच्चर ऊपर बैठाने के लिए लाए आप? अच्छा नहीं, हालत खराब हो चुकी है, अभी 6.5-7 किलोमीटर दूर और है। और इसकी सबसे मेन बात ये कढ़ाई थोड़ी बुद्धि खराब हो गई है। कंडीशन ये है, ना चढ़ा जा रहा है और ना उतरा जा रहा है, अब बीच में फंसे हुए हैं और हालत खराब है। व्यू तो अच्छा है, कुछ भी कहो। ओह माय गॉड, भयंकर, क्या धूप के साथ साथ इतनी ठंडी हवा चल रही है ना गाइस। बहुत प्यारा स्पॉट है, डरावना, यहाँ लैंडस्लाइड हुई है काफी बड़ी। सुसाइड पॉइंट इसे बनाना चाहिए यार, हम जिंदगी से वैसे नीचे बना रखा है। नहीं बहन, मुझे जीनी है, मेरे अंदर बहुत चाह है जीने की, मेरे लाइफ में बहुत करना है भी। लोग कहते होंगे ना क्यों ट्रैकिंग करनी है कुछ, इतनी शांति और इतना पीसफुल माहौल है ना यहाँ का,
दूर दूर तक इंसान नहीं है, हम यहाँ मेरा ही ग्रुप है। और क्या मजे आ रहा है। 1 2 एक पहाड़ हम लोग क्रॉस कर रहे हैं, दूसरा हमको करना है। अभी ये वाला पहाड़ क्रॉस करना है, फिर इसके बाद और है। चलो ये तो उम्मीद जागी कि रास्ता सही है, क्योंकि कुछ लोग दिख रहे हैं। धूप है पर जो हवा है ना इतनी प्यारी लग रही है, काश ये धूप चली जाए। 12 seconds later अब थोड़ा अच्छा लग रहा है जब धूप थोड़ी चली गई। ये बादल आ गए ना ऐसा, बस आधी प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाएगी, हम ट्रैकिंग कर लेंगे ये धूप चली जाए। मौसम हो गया ठंडा, मैं क्रॉस कर रही हूँ, बादल है प्यारे। राउंड लगा के आ रही भद्रा से वापस मिलती हूँ। हम लोग इतना आगे आगे, इनकी पिकनिक अभी भी यहाँ पे मनी रही है। इतना प्यारा मौसम हो गया है ना, मुझे ऐसा लग रहा है मैं भगवान से कुछ और मांगती ना वो भी पूरा हो जाता। एटलीस्ट अब धूप तो नहीं है, ट्रैकिंग तो कर पाऊंगी। और रास्ते बहुत ख़राब है भद्राज के, बहुत ज़्यादा, एकदम चढ़ी, एकदम खड़ी चढ़ाई है, और रास्ता भी फिसलना और कंकड़ी कंकड़ पत्थर ऐसे हैं, लेकिन हम करेंगे। यार मौसम अच्छा हो गया, नाइस। और जो नीचे से हम लोग देख रहे थे तीन लोग, वो ये तीन लड़कियां हैं, और वो देखो हमारे लड़के वहाँ अभी भी चल ही रहे हैं। बोलो क्या? नहीं मुझे तरस नहीं आ रहा, तुम शर्म करो, मैं तबीयत खराब रहती फिर भी आ गई। भाई साहब अभी तक ये लोग इतना स्लो और आराम करते करते आ रहे हैं ना, फिर कह रहे कि मैं आगे आ रही हूँ। आ जा थोड़ी सी हिम्मत काजल, ये भी तो सोचो तुम्हें तुंगनाथ की चढ़ाई करनी, वो कैसे करोगी अगर ये नहीं कर पाओगी। अरे यार कम से कम मोटिव सुनो, ये कौन इडियट है ये अपने सूज उतार के चल रहा है, क्यों पागलपंती दे रहा है ये। कौन हो जाएगा मोहित, मेरे पैर में हो रखी बहुत पेन होता है, तो सूज पहनना बेवकूफ। और ये जो ग्रुप हमें मिला था तीन लड़कियों का, इनकी भी हिम्मत नहीं हो रही भद्राज ऊपर जाने की, यहीं पे ये पिकनिक मना के वापस जा रहे हैं। बट हम जाएंगे क्योंकि हमने कसम खाई कुछ क्रेजी करने की, क्रेजी। अगर हम ये ट्रैकिंग नहीं कर पाएंगे तो तुंगनाथ की कैसे करेंगे। और हम लोग अभी रिसेंटली कुछ दिन में प्लान बना रहे हैं तुंगनाथ जाने का। हम लोगों को रास्ते में वो खच्चर वाले मिले थे जो बोल रहे थे कि ऊपर जाके रास्ता आसान हो जाएगा, यहाँ रास्ता और सीधा स्ट्रेट हो गया है, रास्ता और ज़्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा है। कहाँ है आसान, हमें तो दूर दूर तक कोई आसानी नज़र नहीं आ रही। बस ऐसा लग रहा है मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ के आधे घंटे सो जाऊँ, तो हवा इतनी प्यारी लग रही है, ऊपर से सांस फूल रही है, पैर थक गए हैं, और मैं सबसे आगे हूँ, अब सबसे आगे, सारे पीछे नीचे डले हैं। प्रॉपर ऐसे रास्ते आ रहे हैं, ये देखने में आसान लग रहा है भाई, इन पे सूज ऐसे फिसल रहे हैं। और जो लैला मजनू मूवी में कैस बोल रहा था ना कि उस पहाड़ के पीछे क्या है, देखूंगा आज मैं देखूंगी उस पहाड़ के पीछे क्या है। और कैस माँ कसम अगर कुछ नहीं निकला ना
वो तोड़ दूंगी। गाइस अगर आपको लग रहा है ये आसान चढ़ाई है तो ये है, बिल्कुल भी आसान नहीं है। यहाँ पैर फिसल रहे हैं, लैंडस्लाइड जगह जगह हो रखी है। हर पॉइंट पे आपको ऐसा लगेगा जैसे आप गिरने वाले हो। रास्ता जा रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है दोनों पहाड़ मिलेंगे रास्ते ये आगे जाके सेम ही। यस, नीचे वालों की हवा निकल गई। दिख तो रहे हैं लेकिन मुंह से आवाज नहीं निकल रही, वहीं पे बैठ गए। ठीक है तुम वापस जाओ, मैं ट्रैक कंप्लीट करके आती हूँ, दम है मेरे अंदर, आ जाऊंगी, चिंता मत कर। तू लिख के ले ले। रोहन तेरी मम्मी ने जितना घी दूध पिलाया था ना तुझे, सब बर्बाद हो गया हरियाणा का। क्या रिप्लाई नहीं दे रहा, क्या हुआ, दम नहीं है रिप्लाई देने का? नेटवर्क चले गए, थोड़ा ऊपर आओ सिग्नल आएंगे। वो तेरी एक लाइन थी ना रोहन, जो बात का नहीं वो बाप का नहीं, तो अपनी बात का तो हो जाए, ट्रैकिंग कंप्लीट कर, अपनी लाइन तो मान ले भाई। रोहन हमेशा एक लाइन मारता है, जो बात का नहीं वो बाप का नहीं, और इसकी बात थी कि मैं ट्रैकिंग कंप्लीट कर लूंगा सबसे जल्दी, ये वो, दूर दूर तक आवाज आता जा, रास्ता दिखता जाएगा। कोई मुझसे बोले इस रास्ते पे आराम से तुम सो जाओ, मैं इतनी सुकून की अपनी लाइफ की सबसे अच्छी नींद यहाँ ले सकती हूँ, जो मेरी आंखों में नींद आ रही है ना इस हवा से, और जो मज़ा आ रहा है, पैर थक गए हैं, सांस फूल रही थी अब नहीं। बट बाय गॉड बस ये मौसम ऐसा रहे, धूप ना निकले भाई, ये लोग तो एकदम गायब हो जाते, दिखते भी नहीं दूर दूर तक। हमने 8 बजे से चलना स्टार्ट करा था, करेक्ट 11 बज गए और हमें दूर दूर तक कुछ नहीं दिख रहा है। 3 घंटे से कंटिन्यूस चल रहे हैं और ये पहाड़ खत्म ही नहीं हो रहे। ओ माय गॉड, बारिश में ये पूरी लैंडस्लाइड हो रखी है, यहाँ अगर हम पैर रखें ना तो सीधा नीचे फिसलेंगे। यार रुकी तो हूँ तुम लोगों के लिए, तुम आ जाओ, रुकी तो हूँ यार, तो तुम्हारे लिए आगे आगे रास्ते खोज रही हूँ मैं, आओ आओ भाई, ये रास्ता सीधे खाई में ले जाएगा। हाँ यार वो कोई है, ये कौन है यार परछाई में, कोई तो है ऊपर, मेरे ग्रुप के नल्ले बेरोजगार लोग, इन पे चला नहीं जा रहा। अभी बहुत दूर है, 2 घंटे का रास्ता और है मोहित, अभी 2 घंटे का रास्ता और है, भैया बता रहे अभी ऊपर 2 घंटे का रास्ता और है। कोई बात नहीं, अभी 10-11 तो बजे, करेक्ट 11 बजे, और आगे का रास्ता इससे ज्यादा खराब है या सही है? कौन सा वाला आगे जो और रास्ता आएगा वो आगे वाला रास्ता ठीक है, ठीक है भाई, यो रास्ता, ये तो काफी खराब रास्ता है, पीछे वापस चले जाएंगे। यहाँ तो जरा सा पैर रखो नीचे सीधे। चल चुपचाप, हमारी हालत खराब हो रखी है,
हम लोग इतना ज़्यादा पानी लाए थे, हमें पता था कि पानी की कमी बढ़ जाती है यहाँ पे। दो दो लीटर की बॉटल्स थी यहाँ पे, पूरा पानी ख़त्म हो गया है। हम पिछले 3.5 घंटे से ट्रैकिंग कर रहे हैं और अभी भी 2 घंटे की बची हुई है। ओ गॉड, एक तो मुझे प्यास लग रही है, बहुत बहुत ज़्यादा प्यास लग रही है। और अभी जो एक भैया निकल के गए जो यहाँ डेली आते जाते हैं अपनी बकरी वगैरह चराने के लिए, वो बता रहे थे कि आप गलत रास्ते से आ गए हो, थोड़ा सा नीचे जाके एक और रास्ता होता है, वो थोड़ा सा आसान है इससे। भाई बहुत थक गए हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे बस पानी दे दो और मुझे यहीं लेट जाऊँ। बाकी सारे अभी पीछे ही हैं, आई एम सिंगल जो सबसे आगे चल रही है। ओ गॉड, अभी भी कितना भयंकर ऊपर जाना है। वो मगरमच्छ है, कहीं भी चढ़ जाती है। वो ऊपर बहुत ऊपर जाना है अभी। यार यहाँ पानी है, हुआ है पानी। अरे यार बारिश का पानी होगा, मेन रोना तो पानी रखने का यही है। भगवान, इतना सा पानी था उसमें हम 4-5 लोगों ने पिया है। देख ही मत ना खाई में, पीछे ही देख रही है। मुझे ऐसा लगता है वॉमिट आ रही, बस मैं इसी वजह से थोड़ी देर अब बैठूंगी। आराम से आना, थोड़ा डिफिकल्ट है ठीक है। ओ गॉड यार, गोरी इसको बंद, इसको रख ले बैग में। सॉरी मोहित, कैसा फील हो रहा है? फीलिंग मर चुकी है, गाली मत दे। मोहित कह रहा है कि यहाँ से वापस चलो, ताकत नहीं। हाँ भयंकर मौसम तो अच्छा है पर चढ़ाई देखो। चल चल मोहित, हिम्मत कर, काजल आजा आजा। और हमें पानी के नाम पे ये मिला है, छोटा सा तालाब जो इतना गंदा है जिसका पानी हम पी ही नहीं सकते हैं। मीन्स अभी भी हम प्यासे ही हैं। मैंने जितनी आसान ट्रैकिंग सोची थी ये बिल्कुल भी वैसी नहीं है। जो फ्रेंड्स मेरे पहले जा चुके थे वो बोल रहे थे ये बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत डिफ़िकल्ट है। जब आके एक्सपीरियंस किया तो सच में पता चला बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है ये। हम लोग सुबह 8 बजे से चल रहे हैं, 12:30 बज गए हैं, कंटिन्यू चल रहे हैं। बस बीच में 30-40 सेकेंड बैठते हैं फिर चलने लगते हैं। सबसे बड़ा ड्रॉबैक है मुझे अब लग रहा है प्यास, मुझे पानी चाहिए, डिहाइड्रेशन हो रहा है। अभी मैं यहाँ से अकेले कैसे जाऊँ ऊपर? ये यहाँ पे थोड़ी ना 3-4 गाय खड़ी है, एक तो बादल में दिख नहीं रहा है। आगे कैसे जाऊँ? सांड खड़े हैं 3, सांड या गाय कुछ प्रॉपर दिख नहीं रहा है, बादल में वो थोड़े थोड़े से नजर आ रहे हैं। ये रही गाय भैंसे, पता चले ये यहीं पे पटक दे हम लोगों को। भगवान कितना चले, अभी एक और पहाड़ आ गया, कितने तो पहाड़ क्रॉस कर चुके हम लोग। मैं तो एक गाय सोच रही थी, ये तो पूरा झुंड है। भाई कितना सुकून लग रहा है मुझे, होना चाहिए था मुझे, मैं यहाँ सो सकती हूँ, बहुत अच्छी नींद। यार थक गए हैं, बस 2 मिनट रुक जाओ, इतना बस, अब तो बस थोड़ा बचा है। ये गौरी गाएगी, तू नाच के देखा, रैगिंग है तेरी। मेरी क्यों ले रहे हो फिर, मेरी रैगिंग क्यों ले रहे हो? मैं क्यों गाऊंगी? अच्छा गाती है इसलिए। बस फिर तो बस अंतिम इन कुत्ता के सामने मत नाचना। कौन कहता है पत्थरों पे नींद नहीं आती? मुझसे और काजल से पूछो, हम क्या मस्त नींद यहाँ ले सकते हैं, क्यों काजल? बिल्कुल डन डन। मेरा बस चले, मैं ये दुपट्टा यहाँ बिछाऊं और सो जाऊं, बस मेरे कमीने जो साथ वाले हैं वो भला चाह रहे हैं, वो कह रहे हैं चलती रहो अब, और मैं सोच रही हूँ बिल्कुल पास ही बचा है। तो ये बॉयज का ग्रुप निकला था जिसने अभी हम लोगों को पानी वगैरह दिया, थैंक गॉड, वरना मुझे तो लग रहा था मौत ही आएगी। थैंक्स टू दीज बॉयज। ओके थैंक यू, ओके एक साथ रहना। सुनो वो लोग कह रहे एक साथ रहना, आगे बाग है। हाँ गुलदार है, उन तीनों को बोलो बेफूपंती मध्य साथ में रहे। भाई देख जिसे तेज चलने में कुछ नहीं कह सकता, 2 घंटों से हम साथ में चल रहे हैं।
रास्ते हैं, ये तो सारे पत्थर हिल रहे हैं। ऊपर से जरा सा नीचे जाओगे सीधे नीचे। चला चल लगे मंदिर दिख नहीं रहा, एक पहाड़ क्रॉस कर रहे, दूसरा क्रॉस कर रहे, तीसरा पहाड़ पे पहाड़ आए जा रहे हैं। यहाँ पे कोई अटैक भी करे ना, छुपा हो तो पता भी ना चले। बस अब 20 मिनट की ट्रैकिंग और बची है, जिसमें रास्ता ज़्यादा खतरे वाला नहीं है, जंगल वाला ही है। बट जंगल में एक दूसरा रिस्क है कि यहाँ पर तेंदुआ, गुलदार ये सब है। हाँ यार क्या रास्ते हैं छोटे छोटे से। आओ गाइस, साथ में रहो सारे। ओह फाइनली हमें कुछ दिखा, वहां चेयर्स डली है, कोई स्पॉट है, कोई शॉप है। थैंक गॉड, 6-7 घंटे से हम कंटिन्यू चल रहे हैं, कुछ तो दिखा। पहाड़ों में जीवन ढूंढा, कोई दुकान दिखी भाई, हमने पहाड़ों में जीवन ढूंढा। हाँ फाइनली हमें कोई स्टॉप मिला और हम यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने पीने के लिए। खाएंगे भी नहीं, पानी पीना पहले। ट्रैकिंग दोबारा करेगा ना? हम कहीं भी नहीं गए, अब हमें पता हम कहाँ हैं। हाँ अब मात्र 600 मीटर बचा है, उन शॉप वाले भैया ने बताया अब आप बिल्कुल करीब हो। जान में जान आ गई हम सबके, हर जगह सरप्राइजेस हैं। 500 मीटर बचा है वो भी, लेकिन ऐसा चढ़ाई है अब बिल्कुल नहीं चढ़ा जा रहा, हिम्मत नहीं हो रही है। बस आखिरी के बिल्कुल करीब है हम लोग मंदिर के, 300 मीटर है, बट हमसे अब नहीं चला जा रहा। एक तो चढ़ाई एकदम वैसी हो गई है, ऊपर से पैर भर गए हैं। यहीं बैठ जा चेयर पे। हालत खराब हो रखी है। प्याज का पराठा हो जाएगा? बता। ठंडा, काफी ठंडा मौसम हो चुका है, जिसके लिए हम इतना चल गए। हवा चल रही है ना, ऐसा लग रहा है वर्थ इट, वर्थ इट। ओह माय गॉड, दिस इज कॉल्ड व्यू भाई, इसको कहते हैं। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, कितना अच्छा फील हो रहा है। यहाँ तक आई हूँ, पैरों की जान निकल गई है, कमर टूट चुकी है। हम सुबह 10 बजे से चल रहे हैं, 3 बज गए हैं, सॉरी हम सुबह 8 बजे से चल रहे हैं, 3 बज गए हैं। और लेकिन यहाँ आने के बाद ऐसा लग रहा है सारी थकावट, सब कुछ वर्थ इट है। कितना प्यारा व्यू और इतनी ठंडी हवा, हल्की हल्की सर्दी, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है यार। यहाँ आओ तो यहाँ तक पूरा आओ यार, बहुत अच्छा है एक्सपीरियंस। सो दिस इज भद्राज मंदिर और यहाँ की ट्रैकिंग उत्तराखंड में, देहरादून में जितनी भी ट्रैकिंग उनमें से एक डिफिकल्ट ट्रैकिंग है, तो मज़ेदार थी, एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। और बाय गॉड मुझे तो बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैं तो सबको सजेशन दूंगी यहाँ तक आओ, डिफ़िकल्ट है। अगर आप ट्रैकिंग नहीं करना चाहते आप मसूरी वाले रास्ते से आओ, उसमें इतना ट्रैक नहीं है। हम आए थे कोटी से लेके पूरा भद्राज तक, पूरे 8.5-9 किलोमीटर ट्रैक करे हमने, 7-8 पहाड़ क्रॉस करे हमने, तो मस्त था सब। तो ये है मंदिर, फाइनली हम लोगों के दर्शन कंप्लीट हो गए हैं।
बहुत मज़ा आया, बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था। मेरा फ़ोन कभी भी स्विच ऑफ हो सकता है, ओनली 3% चार्ज है ये। सो बाय, मैं इसको कंटिन्यू अभी तो अब वापस इसी रास्ते से बस वापस जाना है हम लोगों को। तो यहाँ लाइट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, किसी भी शॉप पे नहीं है, तो चार्जिंग का कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। और पावर बैंक ले आए हम, केबल भूल आए। तो अब पता नहीं ब्लॉग आगे कंटिन्यू हो पाएगा या नहीं, आई डोंट नो, क्योंकि 3%। लौटते में हमने कोई और रास्ता जंगल का अपना लिया है जहाँ हम सारे भटक चुके हैं, और अब पता नहीं। वापस लो, वापस मुड़ लो, तेरे ब्लॉग में देखना कहाँ है। ये रास्ता नहीं है, मुझे याद है, ये रास्ता नहीं है, मुझे याद है। वापस इतना चलना यार, कह रही थी वहीं। ये देखो मेरे ग्रुप के लोग अभी यहाँ पे हैं, और मैं यहाँ पे लेट के इन लोगों का वेट कर रही हूँ कि जब ये लोग आएंगे तब चलेंगे। और उतरते में ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्पीड में उतरे तो रोलर कोस्टर की तरह नीचे ही सीधे पहुँचोगे, फुटबॉल की तरह। और अभी ये लोग आ रहे हैं, वो जो दूर मंदिर दिख रहा है ना वाइट कलर का, वहाँ से हम वापस लौट के आ रहे हैं। और इतना वापस आ गए, 3 पहाड़ क्रॉस कर चुके हैं। तो उतरने में पैर इतने ज़्यादा फिसलते हैं ना, आपको एक एक, एक पैर ऐसे ना ग्रिप बना के रखना पड़ता है। मेरे शूज की माँ बहन एक हो गई है। Much, much, much later. अंधेरा हो चुका है, 7:05 हो रहा है, पूरा अंधेरा है, और अब हम लोग टॉर्च में ट्रैकिंग कर रहे हैं। गॉड, फोन की लाइट में, फ्लैश में। फाइनली हम लोग पहुंच गए, हम लोगों ने ट्रैक फाइनली ख़त्म कर लिया। और बज रहे हैं 7:20, अब बस नीचे पास ही में हमारी स्कूटी और बाइक्स खड़ी हैं, बस इसके बाद घर। और मेरा फ़ोन है 1%।